लास्ट टाइम हमने किया था टॉपिक मार्केटिंग का, स्टार्ट किया था। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास और क्या है मार्केटिंग में। अगर आप ध्यान करें, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया था जो मार्केट का ट्रेडिशनल व्यू है उसका क्या मीनिंग है, मॉडर्न व्यू का क्या मीनिंग है, कस्टमर का क्या मीनिंग है। उसके बाद एक हमारे पास टर्म आती है, ये है आपकी मार्केटर और सेलर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। जो मार्केटिंग करता है वो भी सेलर ही होता है, वो भी बेचता ही है वस्तु, और जो सेलर है वो भी बेचता ही है। तो इसको मार्केटर को हम विपणन करता भी कह देते हैं, विपणन करने वाला। विपणन मीन्स मार्केटिंग करने वाला। मार्केटिंग करने का मतलब है सेल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो सारी की सारी मार्केटिंग में आती हैं आपकी। वैसे इसका मीनिंग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं मार्केटर या सेलर ये होते क्या हैं। इन्हें कहा जाता है, मार्केटर और सेलर इज आ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर और हु प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। यहाँ हमने मीनिंग क्या लिया है, सबसे पहले देखते हैं मार्केटर या सेलर कौन है। एक पर्सन है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी या तो एक व्यक्ति है या फिर एक संगठन है। हु फुलफिल्स द नीड्स ऑफ कस्टमर, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और हु प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, या फिर वो जो उपभोक्ताओं को वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसे हम एक वर्ड के अंदर सेटिस्फेक्शन सीकर भी कह सकते हैं। सेटिस्फेक्शन सीकर मीन्स संतुष्टि खोजने वाला। इसे हम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। आप अगर चेक करके देखें जो हमारे यहाँ जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे जैसे आपके पास अगर आप चेक करें, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड है, जैसे आपके पास एयरटेल है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेलर हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर हैं, सेटिस्फेक्शन सीकर हैं। ये क्या है, जो कस्टमर है उसकी नीड्स को समझते हैं कि जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करते हैं, उसे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ ये कहता है कि जो मार्केटर हैं या जो सेलर हैं उनके भी दो टाइप हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं आपके। एक में तो आता है आपका गुड्स मार्केटर, दूसरे में आता है आपका सेलर, या फिर सेलर भी आप इसको लिख सकते हैं, सर्विस मार्केटर या सर्विस सेलर। अब नाम से ही पता चलता है जो गुड्स मार्केटर है वो क्या कर रहा है, या गुड्स जो सेलर है वो क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है। गुड्स सेल करने का मीनिंग है कि जितने भी हमारे पास गुड्स आते हैं वो सारे की सारी गुड्स मार्केटर के अंडर ही आती हैं, जो गुड्स प्रोवाइडर हैं। जैसे आपके पास सपोज करो हमाम का साबुन आता है, या आपके पास कोलगेट की टूथपेस्ट आती है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये गुड्स सेलर के अंडर ही आते हैं। यानी गुड्स सेलर यही काम करता है कि हमें वो गुड्स प्रोवाइड करवाता है। सर्विस मार्केटर ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे जैसे आपके पास HDFC बैंक है, जैसे आपके पास PNB बैंक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये आपके सर्विस मार्केटर हैं, ये आपके सर्विस सेलर हैं, ये आपको सर्विस सेल करते हैं, गुड सेल नहीं करते, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते। ऐसे ही ये आपके
जो गुड्स मार्केटर हैं या गुड्स सेलर हैं वो आपको गुड्स सेल करते हैं, वो कोई आपको सर्विस सेल नहीं कर रहे, जो गुड्स मार्केटर हैं जैसे अमाम है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है या एक्शन शूज़ हैं, आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास गुड्स मार्केटर, और नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस मार्केटर। अब मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दी हैं, एक मैंने आपको मार्केट बताई है, मार्केट में मैंने आपको बताया है ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू। दूसरा अगर देखें, दूसरा मैंने आपको बताया है इसके अंदर कस्टमर कौन होता है। तीसरा मैंने आपको बताया है मार्केटर या सेलर जो होता है वो कौन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का यहाँ पर ही आता है कि मार्केटिंग का मीनिंग है क्या, मार्केटिंग किसे कहा जाता है। अब कुछ क्या करते हैं, कुछ तो मार्केटिंग को डायरेक्ट इससे अटैच कर देते हैं, सेलिंग से, विक्रय से, कुछ मार्केटिंग को शॉपिंग से अटैच कर देते हैं यानी कि क्रय से। कुछ कहते हैं कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ये दोनों ही है, परचेज और सेल्स, ये दोनों ही मार्केटिंग है। लेकिन ये कहता है कि मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग इज द कंबिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एंड्स एट कस्टमर। यानी ये कहता है कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं, उन सारी एक्टिविटीज का मार्केटिंग कंबिनेशन है, किसका, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हैं। यानी प्रोड्यूसर जब क्या करता है, प्रोड्यूसर जब जो गुड्स हैं, गुड्स या सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है, एंड्स एट कस्टमर, और जो उपभोक्ता पर समाप्त होती है। ये सारी की सारी आपकी मार्केटिंग में आती है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले से ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आप देखना चाहें मार्केटिंग के अंदर आता क्या क्या है, उससे आप और अच्छी तरह समझेंगे कि मार्केटिंग है क्या। अब मार्केटिंग है क्या, उसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले ये आपका कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सेकेंड आता है हमारे पास इसके अंदर प्लानिंग। थर्ड आता है इसके अंदर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, या आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ये सारी एक्टिविटीज आपकी मार्केटिंग में इंक्लूड की जाती है। यानी सीधे तरीके से अगर हम देखें ना, जहाँ से प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ भी सोचना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में कुछ भी सोचना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लेकर
और प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद यह सर्विस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद सेल कर दी जाती है, कस्टमर के पास पहुंच जाती है। कस्टमर के पास पहुंचने तक, उसको सेटिस्फाई करने तक जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी आपकी मार्केटिंग में ही आती हैं। जैसे एक फर्स्ट वन कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट डे में, और क्या करना है मार्केटिंग के बारे में, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। किसके अंदर क्या किया जाता है, जो मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन है उस उनको कलेक्ट किया जाता है, मार्केट में इन्फॉर्मेशन जो है उनको कलेक्ट किया जाता है। किस बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है, वो कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो पहले वो ये पता करता है मार्केट से कि मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनको एनालाइज करता है कि उनके प्राइस क्या है, क्या वो ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी मार्केटिंग का पार्ट है। तो बाकी नेक्स्ट डे में करेंगे इसे।